नमस्ते सर आई एम पलक कोहली एंड ये मेरा सेकेंड कंजर्कटिव पैरालंपिक्स था एंड टोक्यो में मैंने फोर्थ फिनिश किया था एंड यहाँ पे मैंने फिफ्थ फिनिश किया बट दोनों इस पैरालंपिक्स जाने का मेरा जर्नी बिल्कुल ही डिफरेंट था मेरे को आफ्टर टोक्यो पैरालंपिक्स टू जीरो टू टू में सर बोन ट्यूमर हो गया था और स्टेज वन कैंसर हो गया था एंड नियर टू वन एंड हाफ़ ईयर मैंने कोई भी कम्पीट नहीं किया कोई टूर्नामेंट कुछ भी नहीं किया एंड लास्ट ईयर मैंने टू में कम किया एंड मैं काफ़ी हैप्पी हूँ और काफ़ी प्राउड हूँ कि मेरे सपोर्टिंग स्टाफ मेरे कोचेस गौरव सर के सपोर्ट और गाइडेंस के कारण मैं क्वालीफाई कर पाई पेरिस के लिए एंड uh, मेरे बहुत सारे मेजर टूर्नामेंट्स आफ्टर टोक्यो छूट गए थे वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स बिकॉज मेरे को वॉक ओवर देना पड़ा एशियन गेम्स में मुझे कोविड हो गया था इसलिए मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप क्वालिफ़ाई किया और मैंने ब्रॉन्स मेडल जीता एंड फिर मैंने पैरिस के लिए क्वालिफ़ाई किया बैक टू बैक मेरा वर्ल्ड रैंक एकदम 38 लास्ट हो गया था बिकॉज मैंने टूर्नामेंट्स नहीं खेले थे एंड अगेन से मैंने अपने आप को टॉप फोर वर्ल्ड नंबर फोर में आई और मैंने पेरिस के लिए क्वालीफाई किया थोड़ा uh, तो डिसअपॉइंटिंग है, है कि मैं मेडल नहीं जीत पाई बट आपकी ब्लेसिंग्स और सबके साथ आई थिंक आई एम लुकिंग फॉर्वर्ड फॉर एल ए ट्वेंटी एट एंड डेफिनेटली सर आई लाइक टू हैव पिक्चर ऑन द पोडियम विद यू सर थैंक यू सोच पिछली सर अब मैं लखनऊ में गौरव सर यहाँ पर है सर हाँ। के अंडर ही ट्रेनिंग कर रही हूँ और मैंने उन्हीं के गाइडेंस में मेरे को पैरा बैडमिंटन पता चला था एंड घर में लाइक जब मुझे बोन ट्यूमर हो गया था तो काफी सारे लोग लाइक काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि लेकिन अब पलक का तो करियर खत्म स्पोर्ट्स मैन ऑल एंड डॉक्टर्स ने बताया था कि अब हम कुछ एश्योरिटी नहीं दे सकते आप नॉर्मल लाइफ स्टाइल भी हो पाओगे कि नहीं एंड उसके बाद सर काफ़ी कॉम्प्लिकेशनस रहे मेरे को एक डिसेबिलिटी मेरे हाथ में ऑलरेडी था और मेरे को ट्यूमर के बाद मेरे लेग में भी डिसेबिलिटी हो गया जिससे मेरे दोनों लेग लेंथ में भी डिफरेंसेज आ गए और, और भी कॉम्प्लिकेशन आ गए तो मेरी फैमिली हमेशा मुझे खुश देखना चाहती है और उनकी ब्लेसिंग्स है मेरे साथ एंड दे वांट मी टू बी हैप्पी तो उनका बस ये कंसर्न है कि मेरे को हिम्मत नहीं हारनी देख आप पलक तुम्हारा केस ऐसा है कि तुम बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकती हो इसे क्योंकि इतनी कठिनाइयों के बाद और चलिए ट्रैक पर गाड़ी आई जिंदगी बनाई बीच में रुकावट आ गई और बीच में नई समस्या आई और फिर भी तूने अपना मकसद नहीं छोड़ा ये तो बहुत बड़ी बात है बहुत बधाई हो आपको थैंक सो मच